बॉलीवुड में कुछ एक्टर और एक्ट्रेस की जोड़ियों को बेहद पसंद किया जाता है। ऐसी ही एक जोड़ी अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की भी है। इस जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी और फैंस इन्हें साथ देखना पसंद करते हैं। भले ही पर्दे पर अक्षय कुमार और कटरीना कैफ एक दूसरे को प्यार करते नजर आए, मगर शायद आपको पता नहीं होगा कि एक बार कटरीना कैफ अक्षय कुमार को राखी बांधना चाहती थी। आइए जानते हैं पूरा किस्सा। साल 2016 में करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण में कटरीना कैफ पहुंची। इस शो के दौरान कटरीना ने बताया कि फिल्म 30 मार खां के गाने शीला की जवानी की शूटिंग के दौरान वो अक्षय को राखी बांधना चाहती थी, मगर अक्षय कुमार ने इसके लिए मना कर दिया। अक्षय के बाद कटरीना अर्जुन कपूर को भी अपना राखी भाई बनाना चाहती थी। कटरीना ने इस मजेदार किस्से को याद करते हुए बताया कि उनसे कोई राखी नहीं बंधवाना चाहता। उन्होंने कहा, कोई भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जिसका मैं काफी सम्मान करती हूँ और एक अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं समझती। तो मैंने अक्षय से कहा, क्या मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ? और इसके जवाब में अक्षय बोले, कटरीना तुम्हें थप्पड़ खाना है क्या? कटरीना इसके बाद अपने एक दोस्त के घर गई जहाँ उन्हें अर्जुन कपूर दिख गए। अर्जुन उस वक्त काफी गोलमोल हुआ करते थे, तो कटरीना ने अर्जुन को ही राखी बांधने का फैसला किया। मगर जब कटरीना ने अर्जुन को राखी बांधना चाहा, तो अर्जुन वहां से भाग गए। इसके बाद अगले दिन भी कटरीना ने ऐसी कोशिश की तो अर्जुन फिर भाग गए। बॉलीवुड में अक्षय कुमार और कटरीना ने हमको दीवाना कर गए नमस्ते लंदन, सिंग इज किंग, 30 मार खां, दे दनादन, वेलकम जैसी सुपरहिट फिल्में दी। अब ये सुपरहिट जोड़ी 10 साल के लंबे इंतजार के बाद रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी में नजर आने वाली है। बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए आप बने रहें डेली न्यूज़ के साथ, और डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।